अब वनवास खत्म, घर लौटने का वक्त आ गया है। तो हेलो जी, क्या हाल है, सत श्री अकाल, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बेरोजगार के रिव्यूज, नो फेका फाकी, ओनली ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो मूवी को, सॉरी शहजादा के ऑफिशियल ट्रेलर को। तो ये जो शहजादा मूवी जो होने वाला है, जो कि 2020 में अल्लू अर्जुन का अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो का ऑफिशियल रीमेक होने वाला है। तो इस मूवी में ना भाई, जो कि ट्रेलर मैंने देखा, शहजादा का ऑफिशियल ट्रेलर जो कि मैंने देखा, जो कि 3 मिनट 2 सेकंड की कंप्लीट ट्रेलर में आपको जो ओरिजिनल मूवी का जो ट्विस्ट एंड टर्न था, जो सिग्निफिकेंस था, जो फैमिली ड्रामा था, जो सस्पेंस था, भाई सब कुछ इस ट्रेलर में दिखाया गया है। तो भाई क्यों हम 10th of Feb को टेडी डे के दिन अपने पसंदीदा मित्रों को टेडी ना देकर उसी पैसों से ही हम इस मूवी को थिएटर में देखने जाएं? क्यों भाई, अगर आप जाने वाले हो तो भाई कमेंट में बताना। अगर आप एक रीमेक बना रहे हो और उस रीमेक में आप ओरिजिनल मूवी के जो सारे एलिमेंट्स है उसको आप 3 मिनट 2 सेकंड के ट्रेलर में ही दिखा देते हो, तो इसका मतलब यही होता है ना भाई, त्यौहार के लिए जो आप पटाखा लाए हो वो आप त्यौहार से पहले ही फोड़ देते हो। और इस मूवी का जो डायरेक्टर है भाई, वो है रोहित धवन। और भाई इन्होंने 2 मूवीज को डायरेक्ट किए हैं, जो एक था देसी बॉयज और दूसरा था डिसुम। तो भाई उस ऐसे 2 बाहियात मूवी बनाने के बाद उनके पास कंटेंट की कमी हो गया, और उसके बाद वो अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो जैसे मूवी का रीमेक करने का सोचे। और भाई ये बात तो मानना पड़ेगा, अल्लू अर्जुन की स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनकी मोमेंट ऑफ डांस, उसको साथ कोई कैपेबल नहीं है। ओनली अल्लू अर्जुन इज़ द वन मैन हु कैन एंटरटेन यू एवरी टाइम एवरी मोमेंट, उनके पास वो किरदार है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, अगर अल्लू अर्जुन के सारे चीज़ों को कोई अगर कैरी कर सकता है, जो कि हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है, वो है वन एंड ओनली कार्तिक आर्यन, जिनको आप ऑलराउंडर एक्शन की तरह आपको देखने को मिलेगा उनको। बिकॉज भाई फ्रेडी में वो जो फाड़ के रखे ना भाई, वो तो भाई वाह वाह की बात है। और अगर मैं बोलूँ ना भाई, इसमें अगर आप उस स्टारकास्ट के साथ, इसकी स्टारकास्ट की बात करोगे अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो के साथ इसके, भाई वहाँ पर मुरली कृष्णा थे अल्लू अर्जुन के पिता के कैरेक्टर में, और यहाँ पर है परेश रावल जी, जो कि आपको मुझे लगता है कि वो ना भाई यहाँ पर पार देंगे भाई, वो ना भाई यहाँ पर मुरली शर्मा को कैरेक्टर को से बेहतर काम कर रहे हैं यहाँ पर परेश रावल, जो कि ट्रेलर में मुझे देखने को मिलता है। और कार्तिक आर्यन भाई, वो भाई ऑलराउंडर एक्टर है भाई, वो सारा कुछ कर सकता है, वो भाई सब कुछ कर सकता है अपने पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए। और भाई फ्रेडी में उनका काम था, और इसमें भी जितना टाइम मैं दिखाऊँ ना भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उनकी काम देखने के लिए। और यहाँ पर भाई, वहाँ पर जब हमें अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो में तब्बू हमको देखने को मिले थे, यहाँ पर हमें उर्मिला मातोंडकर देखने को मिलते हैं, तो उनका कैरेक्टर के साथ क्या कुछ होगा वो भाई मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तुम चित्तल परिवार के शहजादे हो, असली शहजादे। अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो मूवी का जो हाइप था, वो था उसके म्यूजिक के वजह से, जहाँ पर आपको ब्लॉकबस्टर म्यूजिक बूटा बोमा सुनने को मिला होगा, वहीं पर पार्टी टाइप म्यूजिक रामुलो रामुलो जहाँ पर ट्रेंड कर रहा था, उसके साथ साम जबर गमना और ओम जी डैडी, जो कि म्यूजिक आपको मूवी के साथ ना एक एंटरटेनिंग मोमेंट बना देता है, जो कि आपको एंगेज करके रखता है। वहीं पर जहाँ पर मैं ट्रेलर में, जो कि 3 मिनट 2 सेकंड के लंबा ट्रेलर में ना, मुझे यहाँ पर म्यूजिक सुनने को मिलता है, और वो था शहजादा। अरे भाई ये ना भाई कुछ नर्सरी राइम जैसे लग रहा था। और भाई हद तो तब हो गया जहाँ पर देखो भाई, उस ट्रेलर में अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो के ट्रेलर और मूवी में ना भाई, यहाँ पर सारे मुझे लग रहा है भाई चीज़ों को ये भाई कॉपी कर चुके हैं भाई, डिट्टो कॉपी। जहाँ पर भाई रोल्स रॉयस देखकर कार्तिक आर्यन बोलते हैं, क्या ये राजामौली साहब है, एसएस राजामौली साहब है, और भाई उनकी गाड़ी है भाई, क्या भाई ऐसे ही फील लगता है भाई, उसमें भी आप क्रिएटिविटी लाओ। जहाँ पर मॉडल का नाम क्या है, आर आर, लगता है राजामौली की गाड़ी है। और कीर्ति सेनन के साथ जो सैंडल वाली वो जोक था, वहाँ पर भी हमको देखने को मिला था, जहाँ पर पूजा हेगड़े के साथ अल्लू अर्जुन ने बोला था, यहाँ पर वही हमको देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो भाई मुझे ये गुड लगा। और जो भाई अभी तक भी अल्लाह वैकेंद्रनाथ पुरामोलो नहीं देखे हो ना भाई, उन लोगों को जब भाई 10th of Feb को टेडी डे के दिन देखने जाओगे अपने सहमित्र के साथ, तो भाई मुझे लगता है ये आप सभी लोगों को बढ़िया लगने वाला है। और ये कार्तिक आर्यन का ये मूवी
बिकॉज ऑफ कार्तिक आर्यन का जो फैनबेस अभी के टाइम में है, ये भाई 200-300 करोड़ प्लस इनकम कर सकता है भाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।